साथियों जय हिंद। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि 1858 से 1891 तक के भारतीय संवैधानिक विकास की हमने चर्चा की थी। देखिए, इसके जस्ट बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास भाग चार, इसके अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इन दो बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की जो पृष्ठभूमि थी उसके जस्ट पहले दो तीन घटनाएं भारत में हुई थी। जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऐतिहासिक वर्क अंग्रेजों द्वारा किया गया था, और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, 1907 में सूरत में फूट हुई थी। देखिए, ये दो तीन घटनाएं ऐसी थी, विशेषकर बंगाल विभाजन, जिसने क्रांति को क्रांति में घी डालने का काम किया था। और इसके जस्ट बाद, इसके तुरंत बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया अंग्रेजों द्वारा, एक संवैधानिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। देखिए, कहीं ना कहीं से यदि अंग्रेजों का एक प्रयास किया गया था, लेकिन भारतीयों में फिर भी इनके रेगुलेशन को लेकर असंतोष था। देखिए, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे चल के। एक अरुणेंडेल अरुणेंडेल समिति की सिफारिश के आधार पर जो है भारतीय परिषद अधिनियम का गठन किया गया 1909 में। देखिए, उस समय भारत का जो तात्कालिक वायसराय थे वो थे मिंटो, और तात्कालिक भारत मंत्री या भारत सचिव थे जिनका नाम था मार्ले, लॉर्ड मार्ले। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से जो 1909 का अधिनियम आया उसको कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। देखिए, इसके तहत जो है कुछ हमने आपसे कहा कि ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। वायसराय की कारकाड़ी में पहली बार दो भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का काम किया गया। वायसराय की कारकाड़ी में पहली बार भारतीय दो सदस्यों का को सम्मिलित करने का जो है निर्णय लिया गया। इनमें जो है एक थे केसी गुप्ता, दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। आगे स्टेप में पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। देखिए, ये कहीं ना कहीं से भारत के इतिहास में फूट डालो और शासन करो का एक पहला ऐतिहासिक कदम था अंग्रेजों का। किया क्या था? लॉर्ड मिंटो ने कहा, हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका फल अत्यंत विषैला होगा। देखिए, कहीं ना कहीं से भारत में अंग्रेजों द्वारा एक ऐतिहासिक जानी बूझी नीति थी। मिंटो ने कहा, हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल विषैला होगा। देखिए, क्या किया कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की बात कही, कहीं ना कहीं से मुसलमानों को लुभावना देने का काम किया, मिलाने का काम किया। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। देखिए, मुस्लिम लीग को बुलाकर गठन कराया गया था लॉर्ड मिंटो द्वारा, कहीं ना कहीं से हिंदुओं के अपोजिशन में खड़ा करने का काम किया गया था। भारत में जो है पाकिस्तान को बनाने का काम किया गया था, कब? 1906 में ही। कहीं ना कहीं से अंग्रेजों की एक नीति थी। आगे आपको भारतीय शासन में या भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया या विकेंद्रीकरण आयोग गठित करने का काम किया गया। देखिए, ये दो चार कुछ ऐतिहासिक वर्क किए गए थे। आगे आपको हम बताना चाहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। देखिए, इसके इस अधिनियम के आने के पहले भी यहाँ कुछ जो ऐतिहासिक काम हुए थे उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत कमेटी, ये दो काम हुए थे जस्ट आगे पीछे इस अधिनियम के। इसमें पहली बार, इसमें भी आपको बताना चाहेंगे, भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू थे और वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। इनके प्रयासों से यह अधिनियम सामने आया था, इसलिए इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। देखिए, आगे आपको हम बताएंगे पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, यानी उत्तरदायी शासन देने की बात की गई 1919 के अधिनियम में। सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित करने का काम किया गया अंग्रेजों द्वारा। और इसमें भी हम आपको बताना चाहेंगे राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन कहा गया, जहां 60 सदस्य थे, और विधानसभा 145 सदस्यों वाली थी। यानी कुल मिला के अब यहीं से अब शुरू होता है भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की एक नींव बनाने का काम यहां से शुरू होता है। देखिए, इसमें सर्वप्रथम प्रांतों में द्वय शासन की व्यवस्था की गई और प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटने का काम किया गया। हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा आदि जैसे विषय प्रदान किए गए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हस्तांतरित विषय था इस पर कानून बनाने का काम गवर्नर जनरल और
उसके जो कार्यकारिणी परिषद के लोग थे वो किया करते थे, और वही दूसरी तरफ आरक्षित जो विषय था, आरक्षित विषय पर कानून बनाने का काम गवर्नर जनरल और भारत मंत्री का था, और आरक्षित विषय में पुलिस, न्याय, वित्त, राजस्व जैसे चीजें, विदेश मामले, ये आरक्षित विषय में थे। देखिए सांप्रदायिक, अब देखिए आगे क्या किया गया, सांप्रदायिक जो निर्वाचन था इसका विस्तार सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तक फैला दिया गया, यानी सांप्रदायिकता को और बढ़ाने का काम अंग्रेजों ने, फूट डालने की नीति को और प्रसारित करने का काम अंग्रेजों ने किया। आगे आपको हम बताना चाहेंगे, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने का काम प्रारंभ किया गया। देखिए सर्वप्रथम भारत में डोमिनियन स्टेट प्रदान करने की बात 1919 में की गई, सर्वप्रथम भारत में डोमिनियन स्टेट प्रदान करने का काम 1919 में किया गया। देखिए एक छोटे से क्लास में हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि किस तरह से भारतीय परिषद अधिनियम 1919 जिसे मांगते लो मारले सुधार कहा गया, इसमें किस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा, और दूसरे फिर दूसरे चरण में भारत सरकार अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्स सुधार कहा गया, ये देखिए दोनों कहीं ना कहीं से एक इस तरह से थे कि दोनों एक स्टेप बाय स्टेप जो है भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम थे, एक महत्वपूर्ण योगदान था। जय हिंद।